तो हाँ जी, आज फिर से मैं आप सबके लिए एक फ्रेश अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। ये है ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G स्मार्टफोन। ये 19 जुलाई 2021 को रिलीज़ हुआ था और आज है 21 जुलाई 2021, यानी ये मार्केट में एकदम फ्रेश स्मार्टफोन है। ये भी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। ये मेरे को अराउंड पड़ा है 39,990 का। आप सबको मैं बता दूं, अगर आप पंजाब में पठानकोट के पास कहीं रहते हैं तो आप अभी मोबाइल हट पे विज़िट कर सकते हैं। ये एक ऑल इन वन स्टोर है, यहाँ पे आपको सारे न्यू फ़ोन और सेकेंड हैंड फ़ोन भी मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर आपके फ़ोन में कोई रिपेयर का काम है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तब भी आप इस स्टोर पे विज़िट कर सकते हैं और ये आपकी EMI करवाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो मतलब ऑल इन वन स्टोर है, एक नंबर काम है। तो जाइए जल्दी से विज़िट कीजिए, और अगर आप सेम शहर में नहीं रहते तो ये आपको डिलीवरी भी कर देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कॉल करके इनसे डिटेल में बात कर सकते हैं। इस फ़ोन को अगर आप ऑफलाइन स्टोर से परचेज़ करते हैं, जिसका मैंने एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप दूसरे शहर में भी रहते हैं तो डिलीवरी हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ आपको एक खास गिफ्ट मिलेगा और साथ ही साथ डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मेरे चैनल का नाम लीजिए द टेक कोड। तो उस गिफ्ट में ये होगा कि आपको एक टेबल लैंप मिलेगी जो कि एक LED लैंप है इसके साथ। और ये जो डिस्काउंट और ऑफ़र है ना, ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड का है। तो आप जल्दी से जाइए स्टोर के भैया को कांटेक्ट कीजिए और उनसे जल्दी के जल्दी आज ही ये स्मार्टफोन बुक कीजिए। तो चलिए आज इस फ़ोन की जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आधार, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द टेक कोड में। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये है ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G का बॉक्स और ऊपर इतना बड़ा 6 लिख रखा है। यहाँ पे ओप्पो की अपनी ब्रांडिंग है, रेनो 6 प्रो 5G लिख रखा है। साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ओप्पो की अपनी ब्रांडिंग है और बैक साइड पे ये एंड्रॉयड का बेंचमार्क है और इसी के साथ यहाँ पे कुछ बार कोड्स हैं। और इस साइड पे भी ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G लिखा हुआ है। इसके अलावा इस बॉक्स पे कुछ नहीं है। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अंदर से बॉक्स बिल्कुल ही ब्लैक है और सामने ओप्पो की अपनी ब्रांडिंग है और बाकी साइड सारी प्लेन है। नीचे की तरफ इसकी कुछ डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन लिख रखी है। तो अब इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं अंदर हमें सामान क्या क्या मिलेगा। तो जैसे मैंने इसको उठाया, ये ऊपर की तरफ एक बॉक्स है, आई होप इसके अंदर एक कवर होगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था, ये एक सिलिकॉन कवर है, सॉफ्ट कवर, और ये बिल्कुल वैसा ही है जो आजकल हर फोन के साथ मिलता है। अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी फिट वाला लग रहा है। फिलहाल इसको साइड पर रखते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और ये सिम इजेक्टर टूल है, इनको भी साइड पर रखते हैं। और ये है अपना प्रोडक्ट ओप्पो, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। ये सारी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आगे चलते ही। फ़ोन को निकालते हैं, फिलहाल फ़ोन को साइड पर रखते हैं, इस पर बात में आते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों सुपर वूक है। मैं आपको बता दूं, ये 65 वॉट का सुपर चार्जर है। ये फ़ोन 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो 4500 mAh बैटरी को ये अराउंड आधे घंटे में चार्ज कर देगा। तो जो इसकी चार्जिंग स्पीड रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर रहने वाली है। चलिए अब इसको भी साइड पर रखते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ें और क्या क्या। ये इसकी टाइप सी केबल है जो हमें इसके अंदर मिलेगी वूक चार्जर के साथ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हमें ईयरबड्स भी देखने को मिलेंगे। ये ओप्पो के अपने ईयरबड्स हैं और इस ईयरबड्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टाइप सी ईयरबड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा। तो ये थी इसकी कुछ अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की डिटेल में। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के इन हैंड फील की। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, ये जो कलर है मैंने आज तक किसी और स्मार्टफोन में ऐसा शेड नहीं देखा और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी स्पार्कलिंग कलर्स हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये चमक रहा है इसका जो बैक कवर है। मैं आपको बता दूं, इस कलर का नाम है ऑरा ब्लू और ये काफ़ी अच्छी शेड है, मतलब देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी के साथ मैं बता दूं, ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं और इसका जो वेट है वो अराउंड 180 ग्राम्स है। तो ये काफ़ी लाइट भी है क्योंकि इसमें 4500 mAh की बैटरी में इसके बाद भी इसका जो वेट है वो अराउंड 180 ग्राम्स है। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। और मैं आपको बता दूँ, इसकी जो नॉच है वो काफ़ी
थिन है। इसी के साथ इसकी जो डिस्प्ले है कर्व डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं कर्व्ड है पर काफ़ी हल्की, और ये चीज़ बहुत प्यारी बनाती है इस फ़ोन को। जो इन हैंड फील है इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात करते हैं इसके पोर्ट्स की, तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये टाइप सी का पोर्ट है, ये स्पीकर ग्रिल है, और इसके बाद ये सिम ट्रे है, माइक्रोफोन है। साइड की बात करो तो इस साइड आपको ये एक लॉक बटन देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का स्पॉट कहूँगा मैं इसको। ये छोटी छोटी चीज़ें ही इन फोन्स को ज़्यादा प्रीमियम बनाती हैं, ये देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं। जब आप इसको अपने फिजिकली देखेंगे और टच करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी की तरफ ऊपर की तरफ एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन है, और इस तरफ वॉल्यूम रॉकर है। और मैं आपको बता दूँ इसका जो फ्रेम है वो मेटेलिक है, और जो इसका बैक है वो ग्लास है, पर लगता नहीं है ग्लास। और मैं आपको बता दूं जो इसका बैक साइड है, कंपनी का ऐसा कहना है ये एजी प्रोटेक्शन के साथ ग्लास है, और फ्रंट में गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन है। तो दोस्तों मैंने इस फ़ोन को स्टार्ट कर लिया है, और ये फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो लाजवाब है। स्टार्ट ही इसकी डिस्प्ले के साथ हम लोग करते हैं। इसकी जो डिस्प्ले है वो आती है 6.55 इंच के साथ, ये एक FHD+ डिस्प्ले है, QLED है, और ये 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसी के साथ इस डिस्प्ले में आपको 180Hz का सैम्पलिंग टच रेट देखने को मिलेगा, जो कि इस डिस्प्ले की परफॉर्मेंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। और इसी के साथ मैं बात करूं, इसमें अगर हम कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको डायमेंसिटी 1200 मीडियाटेक का एक प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, ये एक 5G प्रोसेसर है। इसी के साथ अगर आप एक गेमर हैं तो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है इस प्रोसेसर पे आपका रहने वाला है वो एक नेक्स्ट लेवल का रहेगा। आप कोई भी गेम हाई सेटिंग या अल्ट्रा हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं, और उसमें आपको कोई लैग कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आजकल बहुत एक चीज़ ट्रेंड में चल रही है, वर्चुअल रैम, आपने सुनी होगी बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुँह से, तो इसमें भी वर्चुअल रैम का सपोर्ट है। वैसे मैं आपको बता दूँ जो इसकी इंटरनल मेमोरी है वो है 256GB रोम और 12GB रैम। इसका बस एक ही वेरिएंट आता है यही वाला, इसके अलावा इसका कोई वेरिएंट नहीं है। पर अगर इनकेस अगर आपको रैम कम पड़ेगी, वैसे 12GB रैम बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपको कम पड़े तो आप वर्चुअल रैम का ऑप्शन है, मतलब आप अपनी रैम को 7GB से और एक्सटेंड कर सकते हैं। ये फिजिकल रैम नहीं है, हाँ फॉर टाइम बीइंग अगर आपको ज़रूरत है तो आप 7GB से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है जो इस फ़ोन में है। मोस्टली जो फ़ोन आते हैं उनमें 2 या 4GB की वर्चुअल रैम होती है, ये आपको सीधे 7GB की वर्चुअल रैम प्रोवाइड कर रहा है। स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें आपको UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। रैम की बात करूँ तो इसमें आपको DDR4X रैम देखने को मिलेगी, जो कि क्वाइट फास्ट है एज़ कम्पेरेटिवली नॉर्मल DDR4 से। तो इसमें आपको कलर OS 11.3 देखने को मिलेगा, ये एकदम लेटेस्ट है। इससे पहले जो कलर OS था वो 11.2 या 1 ही हमको नॉर्मली देखने को मिलता था, लेकिन 11.3 कलर OS इससे स्टार्ट हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल OS है मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये जो OS है ना ओप्पो का, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। इन्होंने, मैं कहूँगा कि ऐसा OS है ना, सक्सेस रेट 100% है इस OS का। और ये जो OS है वो एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है, वो भी लेटेस्ट है, तो OS में आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। हाँ आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिलेंगे जिनको आप बाद में डिलीट कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे इसकी बैटरी की, तो बैटरी का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। एक बड़ी बैटरी आपका एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल देगी। हाँ आजकल फ़ोन आते हैं 6000mAh बैटरी, 7000mAh बैटरी, अब हम लोगों का क्या है, हम सुनते हैं 5000-7000 तो हम सोचते हैं बहुत बड़ी बैटरी है, नहीं ऐसा नहीं है। जो बैटरी है वो डिपेंड करती है उसकी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे, कि कैसी वो बैटरी को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है सॉफ्टवेयर ने। अब आप 7000 का mAh की बैटरी आप मोबाइल में दे रहे हैं और ऑप्टिमाइजेशन है नहीं, तो वो उससे भी कम बैटरी बैकअप देगी जिसमें 4500mAh है और जिसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है। तो mAh को देखिए आप मत भागिए, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, यही आपका बैटरी बैकअप बताएगी, आपका रियल बैटरी बैकअप। इसी के साथ आपको इसमें सुपर वूक चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि 65W का, और ये 65W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मतलब आपका फ़ोन 35 मिनट्स में 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ में तो नंबर वन है ये फ़ोन। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस फ़ोन में ऐसी कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ोन है, और ऐसा फ़ोन ना मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो अंदर से होता है ना एक एक्साइटमेंट, वो आ रही है मेरे को इस फ़ोन को पकड़ के। अब बात करेंगे सेंसर की, तो इसमें आपको सारे सेंसर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ इसमें आपको फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत फास्ट है और बहुत रिलायबल है। इसी के साथ इसमें आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलेगा, वो भी उतना ही रिलायबल और फास्ट है।
कैमरा की बात करें तो पिछली तरफ इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है। जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है, तो सोनी का सेंसर होता है तो फोटो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी निकल के आती है, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं। इसी के साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे और देखने को मिलेंगे। वैसे मेरे हिसाब से ये चार कैमरे किसी काम के नहीं होते क्योंकि नॉर्मली लाइफ में हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ कंपनी दे रही है तो क्या बुरा है। तो ये कुछ शॉट्स हैं, ये मैंने फोटोज निकाली थी। कोशिश ये है कि हर सिनेरियो में फ़ोटो क्लिक करने की, पर इतना मैंने टेस्ट नहीं किया, तो उस हिसाब से जो फ़ोटोज़ हैं काफ़ी अच्छी है, कलर्स काफ़ी नेचुरल है, डायनामिक रेंज भी अच्छी है, मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया फोटोज़ आ रही हैं। सोनी का सेंसर है तो बढ़िया तो होंगी। अब बात करेंगे इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा जो कि अच्छी सेल्फीज निकालेगा। मैं आपको बता दूं, ओप्पो और वीवो ना दो चीज़ों से फेमस है भाई। वो दो चीज़ें ये हैं कि सेल्फी, जिनको सेल्फी का क्रेज़ है ना उनके लिए ये कैमरे बने हैं। तो फ्रंट से आपको ऐसे कोई कमी नहीं दिखने वाली, बहुत बढ़िया कैमरा है, अच्छी फोटोज़ आती हैं। इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बोके मोड में भी कर सकते हैं। अब बोके मोड नॉर्मली फ़ोन्स में आता है जिसमें आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, पर इसमें आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो अपने में एक बड़ी चीज़ है। नॉर्मली DSLR में भी जब हमें बोके मोड में शूट करना होता है तो हमें लेंस चेंज करना पड़ता है, तो इसमें आपको इनबिल्ट मिल रहा है, तो कहूँगा कि हाँ फ़ोन में जान है, कैमरे में भी जान है वैसे। और कुछ और फीचर्स की बात बता दूं तो इसमें आपको 360 लाइट सेंसर देखने को मिलेगा, मतलब हर लाइट के हिसाब से इसकी जो डिस्प्ले है वो अपनी लाइट को एडजस्ट कर लेगी, तो उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। उल्टा जो लाइट एडजस्ट होगी ना लाइट्स के हिसाब से, जो आपकी सराउंडिंग की लाइट है, बहुत अच्छी तरीके से बहुत एक्यूरेट डिस्प्ले लाइट आपको मिलेगी। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कई बार फ़ोन में एकदम से लाइट बढ़ गई और एकदम से कम होगी, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। इसमें उसके लिए स्पेशली एक इन्होंने सेंसर दिया 360, जो आपकी सराउंडिंग की लाइट को देखेगा, उस हिसाब से अपनी लाइट को एडजस्ट करेगा। इसके साथ अब बात करेंगे इसमें कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, DSDS मतलब ड्यूल बैंड, दोनों आपको सेम स्लॉट में देखने को मिलेगा 5G का सपोर्ट। इसमें वाईफाई 6 मिलेगा एंड ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलेगा, और इसी के साथ इसमें जितनी भी लेटेस्ट कनेक्टिविटी है सब मिलेगी, इंक्लूडिंग NFC। NFC नॉर्मली नहीं मिलता, इस फ़ोन में आपको NFC भी मिलेगा। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो एक नेक्स्ट लेवल का ही है। आपको बता दूँ इसकी जो स्क्रीन डिस्प्ले क्वालिटी है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ कर चुका हूँ, और ये सच है, मैं ऐसे झूठ नहीं कह रहा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सच्ची में सच है। इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, इवन आपको जब मल्टीमीडिया वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको फील आएगा कि आप बढ़िया स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर इसमें एक चीज़ की मेरे को प्रॉब्लम लगी, वो है इसके स्पीकर। इसमें आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलेगा, मतलब सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर होता तो मज़ा आ जाता, यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इसके अलावा तो 10/10 है ये सेट, बस थोड़ा स्पीकर का चक्कर है कि इसमें वो होना चाहिए था, पर इतना कुछ पता चलेगा नहीं आपको, फीलिंग अच्छी आएगी, देखने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। हाँ अगर स्टीरियो स्पीकर होते तो फील अलग होता, समझ सकते हो ना भाई, वो फील अलग होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।